हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है ये लटकन। ये मैंने चूड़ी से और एक ऊन से, एक कलर की ऊन से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी ये लटकन वाला झूमर। देखो, तीन चूड़ियों से मेरे पास ये तीन चूड़ी हैं। ये खराब हो गई थी, इनकी पॉलिश खराब हो गई है। देखो कितनी गंदी सी लग रही है, तो मैंने इसे हटाकर रख दिया था इन्हें मैं झूमर के लिए। तो देखो किस तरीके से इनकी झूमर बनाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊन को निकालेंगे। एक चूड़ी में हम नॉट लगा देंगे, कोई सी चूड़ी ले लें आप। आप प्लेन चूड़ी भी ले सकते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऊन को हम रैप करेंगे इस पर। देखो मैं इधर की साइड से इस वाली ऊन को मैं इधर की साइड ले रही हूँ, और इधर की साइड में मैं इधर की साइड लूँगी। आपको दिख रहा होगा, अच्छे से थोड़ा सा बना लेंगे, फिर आपकी समझ में बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। देखो ऐसे ही हम चूड़ियों के ऊपर अपनी ऊन को रैप करते जाएंगे और पूरी चूड़ी को कवर कर लेंगे। पूरी चूड़ी को कवर करेंगे इसी तरीके से। तो पूरी चूड़ी को इसी तरीके से कवर कर लेती हूँ मैं, आपको फिर दिखा। देखो थोड़ी थोड़ी सी बाकी रह गई है, उसे भी हम कवर कर लेते हैं। देखो ये मैंने पूरी चूड़ी कवर कर ली है। अब हम पीछे की तरफ ऊनी रखेंगे धागे पर, और इस तरीके से कम दो तीन बार इसकी सिलाई कर देंगे। अगर आपके पास फेविकोल है तो आप उससे भी पीछे की तरफ इस ऊन को चिपका सकती हैं, मगर मेरे पास नहीं है तो मैं इसी से सुई धागे की मदद से ही। अब क्या करेंगे, दोनों धागों को हम कट कर देंगे। देखो और इसी तरीके से इन वाली चूड़ियों को भी कवर कर लेते हैं, दोनों को करेंगे। तो देखिए मैंने दो चूड़ी और कवर कर ली है इसी तरीके से, और ये मैं तीन चूड़ियाँ कवर कर ली हैं। अब हम ऐसे ही मैचिंग की ऊन लेंगे और सी लेंगे। इन दोनों को आपस में अटैच कर देंगे, तीनों को आपस में अटैच करेंगे। देखिए अब इसे सिलेंगे इसके साथ। ऐसे ही एक दूसरे को हम सिल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने देखो पीछे से ये सिल दी हैं। अब इन्हें हम नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके लिए हम लटकन तैयार करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ऊन लेंगे और इस तरीके से अपने हाथों पर रैप करेंगे ऊन को, कम से कम 20 बार रैप करेंगे बस। अब निकाल लेते हैं उंगलियों में से, पहले धागे को कट करेंगे और फिर धागे से हम इसे बांधेंगे कस के। कम से कम दो नॉट लगाएंगे। दो नॉट लगाएंगे, इनसे हम
लंबा धागा कट करेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, और इसे भी हम सभी को कट कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब इसे हम सेट करेंगे और इन्हें भी हम उंगलियों में दबाकर कट कर देंगे। ये हमारी एक लच्छी बनके तैयार हो गई है। ऐसे ही हमें डबल लच्छी और तीन लच्छी तैयार करनी है। अगर आप ज़्यादा लच्छी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने तीन लटकन बना लिए हैं और ये भी बना ली है मैंने। अब इसे हम कैसे करेंगे, इन्हें हम छोटा रखेंगे दोनों को, तो इस बीच वाले को हम बड़ा रखेंगे। इस तरीके से इन्हें हम सिल लेते हैं। तो मैं आपको एक सिल के दिखाती हूँ ऐसे। अब बीच में धागे को इस तरीके से देखो कितनी आसानी से ये लटकन लग जाते हैं। मगर कलर हमने में वो ही लेना है जिससे हमने ये बनाए हैं, दूसरा कलर चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैंने एक लटकन लगा लिया है, आप इस तरीके से भी एक लगा सकती हैं। देखो एक भी बहुत सुंदर लग रहा है, मगर मैं तीनों को लगा रही हूँ इस तरीके से। ऐसे तो पहले मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये मेरा बनके तैयार है। मैंने यहाँ लटकाने के लिए भी झूमर को ये लगा दिया है धागा। तो ये मेरा बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।